गाइज, आपसे एक सवाल पूछना है, आप क्या प्रेफर करोगे, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी? सोचो, आपसे आगे वीडियो में मिलते हैं। What is up guys, क्या चल रहा है guys? Realme एक के बाद एक नए नए फोन्स लॉन्च करते जा रहा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं गाइज। पिछले साल Realme ने काफ़ी फोन्स लॉन्च किए थे, जिसमें Realme 5, 5 Pro, 5i, X, XT, X2, X2 Pro, ये सारे फ़ोन लॉन्च किए थे। मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दिया था दूसरी कंपनीज को। और इस साल भी Realme ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन लॉन्च किए हैं। मार्च में लॉन्च किया था 6, 6 Pro, 6i, Narzo 10, Narzo 10A, X3, X3 Super Zoom, X50 Pro, और शायद 6-7 महीने भी पूरे नहीं हुए थे Realme ने, जो उनका एक सेगमेंट लीडिंग जो सीरीज़ होती है 5, 6, उसको आगे बढ़ाते हुए एक और फ़ोन लॉन्च किया था 3 सितंबर को, 7, 7 Pro, 7i। और अब यार महीना भी नहीं हुआ था इन फ़ोन को लॉन्च हुए, एक और फ़ोन Realme ने लॉन्च कर दिया है, Narzo 20, Narzo 20 Pro। ऐसा भी नहीं है कि एक फ़ोन 10,000 का है, दूसरा फ़ोन 20,000 का है, फिर तीसरा फ़ोन 30,000 का है, सारे फ़ोन 10 से 20,000 के रेंज में मिलेंगे। और दूसरी बात कि उनकी स्पेक्स में क्या फ़र्क है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब यार मैं इस चीज़ से ना बहुत कंफ्यूज हूँ, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि यार इतने सारे फ़ोन लॉन्च कर रहा है, मैं लूँ तो लूँ कौन सा। और YouTube में भी ना कोई नहीं बता रहा है इस बारे में, सारे लोग फ़ोन को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं स्पेक्स, बता रहे हैं, ये नहीं बता रहा कि यार इतने फ़ोन लॉन्च हो क्यों रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल आपने जून या जुलाई में Realme का 6 या 6 Pro खरीद लिया जो मार्च में लॉन्च हुआ था, और आपको पता लगता है कि यार 3 सितंबर को ही उसका नया फ़ोन लॉन्च हो गया है 7, 7 Pro, 7i, तो आप तो यही सोचोगे ना कि यार मैं थोड़ा सा वेट कर लेता, 1-1.5 महीना वेट कर लेता तो मेरे को एक अच्छा फ़ोन मिल जाता, एक नया वर्ज़न मिल जाता। क्योंकि सबके मन में यही थिंकिंग आती है कि यार अभी 6 Pro लिया है तो 7 Pro उससे ज़्यादा तगड़ा होगा। लेकिन आपको बात बताऊँ, मेरे हिसाब से 6 Pro में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू 7 Pro। उल्टा 6 Pro में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। 6 Pro में आपको सबसे पहले 6.6 इंच की IPS स्क्रीन मिलती है, 7 Pro में आपको 6.4 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन वो AMOLED है। तो एक एडवांटेज 7 Pro में आ गया, लेकिन एक एडवांटेज 6 Pro में भी आ गया कि स्क्रीन उसकी बड़ी है। और दूसरी बात कि उसमें डुअल कैमरा था, एक वाइड एंगल, एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा 6 Pro में, और 7 Pro में आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का। तीसरी बात, जो स्क्रीन थी 6 Pro की वो 90 हर्ट्ज की स्क्रीन थी, 7 Pro की 60 हर्ट्ज का पैनल है, अब पता नहीं क्यों किया ऐसा। कैमरे की बात करें तो 6 Pro में आपको पीछे 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें एक टेलीस्कोप लेंस था जो 20x तक जूम कर सकता था, वो कैमरा 7 Pro में हटा दिया, उसमें दे दिया डेप्थ सेंसर जो ऑलरेडी सारे फ़ोन देते हैं। और 6 Pro की लुक यार मुझे बहुत तगड़ी लगी थी, ऐसे फ्लेम वाला डिज़ाइन था, वो पता नहीं क्यों हटा दिया 7 Pro में, एकदम सिंपल सी लुक की है। डिज़ाइन से याद आया, 6 Pro में आपको ग्लास बैग मिलता था, 7 Pro में आपको प्लास्टिक बैग मिलता है। ऊपर से 7 Pro 1,000 रुपये महंगा है 6 Pro के कंपैरिजन। और जो एक मेजर डिफरेंस है जो 6 Pro को 7 Pro से अलग करता है, वो है चार्जिंग टेक्नोलॉजी। 7 Pro में आपको 65 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन 6 Pro में आपको 30 वॉट मिलती है। अब गाइज मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, सीरियसली बताऊं कि 30 वॉट इनफ है यार, आपका फोन 70 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, 65 वॉट में बस आपका फ़ोन आधे घंटे में फुल चार्ज होगा। और 65 वॉट ना आपको लॉन्ग टर्म में असर करता है आपके फ़ोन को, जबकि 30 वॉट एक डिसेंट कैपेसिटी है चार्जिंग की, 65 वॉट थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको असर पड़ेगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, Narzo 20, 20 Pro। अब गाइज मैं आपको बताऊँ, Narzo 20 Pro और Realme 7 दोनों की स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है, स्क्रीन सेम है, लुक सेम है, बॉडी सेम है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, बैटरी भी सेम है, बस चार्जिंग टेक्नोलॉजी Narzo 20 65 वॉट है और Realme 7 में 30 वॉट, सब कुछ सेम है यार, कैमरा भी सेम है, इवन प्राइस भी सेम है। Realme 7 3 सितंबर को लॉन्च हुआ था 14,999 रुपये में, और Narzo 20 Pro की प्राइसिंग है 14,999 रुपये, दोनों की प्राइसिंग सेम है। तो अब बंदा Narzo 20 ले, 20 Pro ले, Realme 7 ले, 7 Pro ले, 6 ले, 6 Pro ले, 7i ले, 7 कौन सा फ़ोन ले भाई, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है। OnePlus, Apple या Samsung को देख लो, वो मुश्किल से साल में 3 या 4 फोन लॉन्च करते हैं। चलो उनको छोड़ो, मिड रेंज की बात करते हैं, Xiaomi का पिछले साल लॉन्च हुआ था 8, 8 Pro,
दो तीन छोटे मोटे फोन लॉन्च हुए थे उनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो मेन सेगमेंट है 8, 9, Note ये इसको काउंट कर रहा हूँ मैं स्पेशली। और इस साल लॉन्च हुआ है Note 9, Note 9 Pro, पोको के कुछ दो तीन फोन लॉन्च हुए हैं। और जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ना, साल खत्म होने में भी 3 महीने बचे हैं और अब तक Realme ने 6, 6 Pro, 6i, Narzo 10, 10a, X3, X3 Super Zoom, X50 Pro जो 5G फोन था, Realme 7, Realme 7 Pro, Realme 7i, Narzo 20, 20 Pro, ओ भाई 14 फोन लॉन्च। सभी की स्पेक्स सेम है, सभी के प्राइस भी सेम है, 10 से 20 हज़ार के रुपए में आपको 14 फोन Realme के मिल जाते हैं। अब स्टिल कंफ्यूज्ड कि कौन सा फ़ोन लूँ यार, 7 लूँ, 7 Pro लूँ, 6 लूँ, Narzo लूँ, क्या लूँ, क्यों लूँ। और ऐसे में कंपनी क्या कहती है कि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन नई होती जा रही है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। तो यार अगर हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस सारी टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करके एक अच्छे से फ़ोन में डालो ना। और जरूरी थोड़ी है कि हर हफ्ते अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हर हफ्ते नया फ़ोन निकाल दो। और इससे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है यार, बेचने वालों को भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि हम कौन सा फ़ोन बेचें, और लेने वालों को भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम कौन सा फ़ोन लें। और कहीं ना कहीं क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी अफेक्ट करती है कि आप इतने जल्दी जल्दी फ़ोन निकाले जा रहे हो जिनकी स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है, लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस 19-20 का फ़र्क है। एक फ़ोन आपको अमेजोन पर मिलेगा, दूसरा फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, तीसरा फ़ोन आपको ऑफलाइन मिलेगा, और 3 महीने बाद सारे फ़ोन आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। तो यार आई थिंक मैंने थोड़ा सा क्लियर आउट किया होगा और आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि यार कौन सा फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फ़ोन सारे ही मस्त है, ऐसा नहीं कि ये फ़ोन बेकार है, ये फ़ोन बेकार है, सारे फ़ोन Realme के मस्त है यार, ऑसम है, एकदम मस्त क्वालिटी के आ रहे हैं। आई थिंक Realme बेस्ट सेगमेंट लीडर है जो अब तक 10 से 20 हज़ार के रुपये में आ रहा है, Xiaomi को भी शायद पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि Realme का जो UI है वो काफ़ी रिफाइंड कर दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से Realme काफ़ी अच्छा फ़ोन निकाल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी निकाल रहा है यार, इतनी जल्दी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। और यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।